हेलो पोकेमॉन ट्रेनर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पोकेचैम्प गेमिंग पर। और आज हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं पोकेमॉन अनबाउंड के पिछले पार्ट में हमने आज हमारी टीम में एक जो हमारा गीवर है वो इवोल्व हो गया था गबाइट में, और हमारी टीम में आया था एक नया पोकेमॉन जो कि मैग भी। और मैं दिखा देता हूँ आपको हमारी पोकेमॉन टीम। वैसे मैंने अपने पोकेमॉन को थोड़ा डेवलप किया है, मतलब सबको एक सेम लेवल का कर दिया है, और आप देख सकते हैं सब 24 लेवल के हो चुके हैं। ये मैग भी है जो हमने पिछले पार्ट में पकड़ा था, और जब सूमो जो हमारा पोकेमोन है मका हुई था वो 24 पर पहुँचा था, तो वो इवॉल्व होने वाला था। पर मुझे लगा मुझे इसकी इवोल्यूशन वीडियो में दिखानी चाहिए, इसलिए मैंने इसकी इवोल्यूशन को रोक दिया। और गवाई तो पहले से ही 24 लेवल का था, इसलिए मैंने उसका लेवल नहीं किया, बाकी को मैंने लेवल अप कर दिया जिससे कि सब सेम लेवल के हो जाए। और आज हमें जाना है सेंटर वोल्केनो के अंदर, जल्दी चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल कॉल भी कर दीजिए। तो अंदर जाने से पहले हम रिपेल कर लेते हैं, हमने बहुत सारे रिपेल लिए थे, मुझे पता था वैसे काफ़ी सारे रिपेल की जरूरत पड़ेगी, वो ऊपर ही होंगी। ये रहे 20 रिपेल है हमारे पास, वैसे काफ़ी बड़ी बोल कहना है क्योंकि। और हमारा मिशन जो है वो है मेक अ बी लाइन फॉर सिंडर वोल्केनो एंड सेव मोल्ट्रेस, तो हमें मोल्ट्रेस को बचाना है अभी के लिए। तो चलते हैं जल्द से जल्द अंदर। यहाँ पर तभी रोक्सनेस हमें जब तक नहीं मिल सकता तब तक हम इनको पत्थर को नहीं तोड़ सकते। और यहाँ पर कुछ चमक रहा है जैसे कि वहाँ पर था पिछली वीडियो में, जैसे हमने दिखा था हमें अ स्ट्रेंज क्रीचर वॉज सक्ड इन टू द क्यूब। ओहो, तो ये वही है वो जो उन्होंने कहा था जेगार्ड के, जो जेगार्ड है उसका कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें मिल सकती है, ये जो ग्रीन लिक्विड है। और उसे हम यहाँ नहीं जा सकते, ये थोड़ी सी जगह पर था है, पर हम यहाँ जा नहीं सकते। और इस तरफ लावा है तो नीचे चलते हैं हम, मुझे केव दिख रही है, और उससे पहले हम ऊपर चलते हैं थोड़ा देखते हैं यहाँ पर क्या है। सर एक ट्रेनर बैठ दे, ओके तो ठीक है हम इससे बैटल करेंगे। तो आज हमारा मिशन बढ़ा है तो हम जल्द जल्द बैटल कर लेते हैं बच्चे से, ठीक है हम रोक टू फ्लो करेंगे क्योंकि ये फ्लाइंग टाइप के बड़े एक्टिव होते हैं। कंफ्यूजन भाई, कंफ्यूज मत कर देना प्लीज़, जब पोकेमॉन कंफ्यूज हो जाते हैं फिर वो अटैक नहीं करते, अपने अटैक खुद पर कर लेते हैं और इससे पोकेमॉन को डैमेज पहुँचता है। तो ठीक है अभी हम यार जगह तो काफ़ी ऊपर जा रही है, तो एक काम करते हैं पहले हम केव में देख के आते हैं, और यार हमारा टिपल ख़त्म होने वाला है। एक काम करते हैं पहले केव में एक बार देख लेते हैं क्या है वहाँ पर। केव में शायद से कोई पोकेमॉन तो नहीं है, यहाँ पर वैसे कुछ भी नहीं है, लावा ही आगे साइड में रास्ता जा रहा है, देखते हैं यहाँ पर कहाँ लेके जाता है ये रास्ता। नीचे की साइड है कुछ, यहाँ पर केव शायद बाहर आ रही है। ओ यहाँ पर एक पोकेबॉल है, रेड कैंडी, तो मैं रेड कैंडी मिली है यहाँ से। अच्छा हम यहाँ आ गए वरना हम ऊपर चले जाते पहले, तो अभी हमें यहाँ से वापस जाना है, तो मैं वीडियो तब तक स्किप कर देता हूँ थोड़ा। ओके तो हम ऊपर आ चुके हैं, अब चलते हैं हम ऊपर, और यहाँ पर भी एक ट्रेनर बैटल है तो इसे मैं स्किप कर देता हूँ जिससे कि अब टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा ट्रेनर बैटल में। वैसे दोस्तों मुझे लगा ये पार्ट में मुझे दिखाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक नया पोकेमॉन जो कॉम्फी है इस ट्रेनर के पास है ये पोकेमॉन, और इसके ऊपर पॉइजन टाइप मूव्स इफेक्टिव है, पर ये नहीं पता कि ये कौन से टाइप पोकेमॉन है। वैसे लग तो ग्रास टाइप रहा है पर इसके ऊपर फायर टाइप पोकेमॉन अटैक्स इफेक्टिव नहीं है, कोई नहीं इस पर पॉइजन टाइप अटैक इफेक्टिव हैं तो हम यही करेंगे। वैसे हमारा मैगवी की काफ़ी डैमेज पड़ गया तो हम मैगवी को थोड़ा सा पोशन दे देते हैं, पोशन या सुपर पोशन, पोशन ही देते हैं अभी तेल लेते। ओके हेल हो गया, और ये स्कॉर्पियो भी हेल हो गया हमारा, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम। वैसे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, एक सेकेंड वो वहाँ पर रोक पर देखते हैं कुछ हो सकता है। ओके रिपेल, वैसे रिपेल हमारे पास काफ़ी सारे हैं, तो ओके हमें रिवाइव मिल चुका है दोस्तों, यहाँ पर रिवाइव है, आप भी ज़रा चेक कर लीजिएगा यहाँ पर रिवाइव मिल सकते हैं। अच्छा मैंने देख लिया, और यहाँ पर एक और ट्रेनर बैठा है, देखते हैं व्हेन वन इज़ दिस फार इनटू द वोल्केनो वन शुड आस्क देमसेल्फ शुड आई कंटिन्यू ऑन और गो होम। तो ये सोच रहे हैं यहाँ से कंटिन्यू करें या फिर घट जाए, वैसे ये सोच ही रहे हैं अभी क्या करना चाहिए इन्हें। वैसे जब इनके सारे पंखों फेंट हो जाएंगे तो ये घर ही जाएंगे,
तो इनके लिए आसान फैसला है, इन्हें घर जाना चाहिए। ओह फेक आउट, इससे पोकेमॉन फ्लिंच तो हो जाते हैं पर इतना डैमेज नहीं जाता। ठीक है स्मॉक को हीटा हमारे पास भी है वैसे, तो मैं सोच रहा हूँ आज के वीडियो में उसे इवॉल्व भी किया जाए, तो मैको हीटो को टीम में आगे कर लेते हैं जिससे कि उसका लेवल अप हो जल्दी। एक और वो रोगिन रोला रहा है, ये रोकता है पोकेमॉन ने। ओहो मैंने गलत मूव कर दिया था, वेनोसोक इस पर काम नहीं होगा। स्कॉर्पियन जो नया मूव सीखा वो यही है वेनोसोक। ओहो यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा अटैक करता है, बग बाइट करते हैं वैसे कैसे हमने इस पर इफेक्टिव हैं। वीक आर्मर, ओहो उसके वीक आर्मर से बचा लिया, उसके डिफेंस नीचे गिरी। ओ फील स्पीड बढ़ गई शायद से उसकी। अब की बार तो फेंट हो जानी चाहिए, हो गया। और जैसे मैं कह रहा था माको हीटो को टीम में आगे कर लेते हैं वैसे। माको हीटा गिरा और उसे हम आगे कर लेते हैं, और अब हम थोड़ा माको हीटा पर ट्रेन करेंगे और आज के एपिसोड में से ही बोल करेंगे जरूर। और यहाँ कुछ नहीं है और मैं साथ ही स्कोरपियो को थोड़ा सा पोशन दे देते हैं। हाँ पोशन शायद सुपर पोशन देते हैं, सुपर पोशन यह काम आएंगे क्योंकि उसकी एचपी कुछ ज़्यादा ही ख़त्म सी हो गई है, 40 एचपी वापस आ गई। अभी हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ लावा है, लावा से बच के जाना है। और यहाँ पर एक फायर टाइप ट्रेनर लगता है मुझे तो, क्योंकि जितने फायर टाइप ट्रेनर होते हैं वो इस तरह से कपड़े पहन के रखे हैं थोड़े। हाँ ये फायर टाइप ट्रेनर ही है। ओहो लिट लियो, ये कालोस जितने का पोकेमॉन है, ये बिल्कुल शेर के बच्चे जैसा लगता है। ठीक है हम फोकस पाल्म करेंगे। ओह सुमो फ्लिंच हो गया, कोई नहीं वर्कअप काम कर रहा है लगता है, किसका अटैक और स्पेशल अटैक रोज हुआ है काफ़ी इफेक्टिव कर रहे थे फोकस पाल। फिर हम आर्म थ्रस्ट से इसे फेंट कर देंगे और ये फेंट हो गया। ओहो उसके पास एक ही पोकेमॉन था लगता है, ये और पोकेमॉन यहाँ पकड़ कैच करने आया है लगमा और तो। और हाँ मुझे नीचे सबसे नीचे के फ्लोर में मुझे टोरकोल भी मिला था, तो जिन्हें भी टोरकोल चाहिए वो वहाँ से कैच कर सकते हैं, जहाँ पर वो केव थी वहाँ पर टोरकोल रहता है सामने ही बिल्कुल केव के। और यहाँ एक सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं एक बार, यहाँ पर एक ट्रेनर है देखते हैं क्या है। ओहो तो ये बैटल करेगी, इसे मैं स्किप कर दूँ। तो दोस्तों जब मैं ट्रेनर से बैटल कर रहा था तो हमारा जो सूमो है माको हीटा वो फेंट हो गया, तो मैं इसे रिवाइव दे देता हूँ यहाँ से, क्योंकि नीचे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाएगा और रिवाइव देने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हम इसे रिवाइव दे देते हैं और पोशन दे देते हैं थोड़ा सा जिसकी सी एच पी ओवी सजाए। और आज के एपिसोड में हमें इवॉल्व करना ही है, तो ऊपर एक सेकंड ऊपर शायद कुछ जगह है और आगे रिपेलेंट ख़त्म हो गए हमारे। यहाँ से ऊपर जाता तो है। वंस टाइम यूज आइटम्स आइटम्स आर रिटर्न टू यू आफ्टर इम्पोर्टेंट बैटल सच एज अगेंस्ट जिम लीडर, यूज देम टू हेल्प स्ट्रेंथन योर टीम एंड गिव योर सेल्फ एन एज। मुझे लगता है यहाँ पर हम बाद में आना है, पहले हम नीचे चलते हैं, नीचे का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ शायद। यहाँ पर तो रॉक स्मैश करना है और यहाँ पर रॉक क्लाइम, इसे हम ऊपर जा सकेंगे, तो अभी तो हम यहाँ नहीं जाना शायद, हमें ऊपर जाना है। हाँ यहाँ जगह ख़त्म हो गई है वैसे कुछ नहीं आगे, तो ऊपर चलते हैं, आगे का मिशन ऊपर ही है, जल्दी चलते हैं यहाँ से। वैसे यहाँ दो रास्ते जा रहे हैं, तो हम पहले यहाँ चलते हैं या फिर सीढ़ियाँ यहाँ पर, चलो यहीं पर चलते हैं हम, ये थर्ड फ्लोर है और हम यहाँ भी अभी कुछ नहीं ले सकते यहाँ से नीचे। ओहो यहाँ पर एक ट्रेनर है और यहाँ पर आगे कोई गोल्डन कलर की पोकेबॉल पड़ी है, वहाँ पर टीएम हो सकता है उस पोकेबॉल में, तो इसके पास है मेडिटाइट एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन। लेकिन फाइटिंग टाइप के ऊपर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन के मूव इफेक्टिव होंगे या नहीं पता नहीं। चलो डार्क टाइप मूव नॉक ऑफ करते हैं और ये हमारे माको हीटा वापस से फेंट ना हो जाए, तो मैं इसे थोड़ा बहुत सुपर पोशन देते हैं, एक सुपर पोशन में काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, और फेंट अटैक नहीं शायद फेंट असली दो अटैक हैं, फेंट अटैक और फेंट। ओहो पैरालाइज ठीक है,
थोड़ा ही बनाया। और रियोलू आ रहा है रियोलू के सामने, तो हमें मैगवी को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि रियोलू एक स्टील टाइप पोकेमोन है, नहीं रियोलू फाइटिंग टाइप पोकेमोन है, जो कि आगे जाके लुकारी बनता है, और लुकारी है स्टील और फाइटिंग, इसलिए इसके ऊपर फाइट अटैक थोड़े बहुत इफेक्टिव हैं। भाई ये तो काउंटर कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा डैमेज दिया इसने। तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं ड्रैगो को, और पिछले एपिसोड में इवॉल्व हुआ था और हमें सिखाया था ड्रैगन डुअल चोप अटैक, तो उसकी पावर भी देख लेते हैं। उसकी पावर तो काफ़ी अच्छी नहीं, मतलब पता नहीं चला पावर का, उसने एक ही हिट में हरा दिया क्योंकि इसकी एचपी कम थी। और यहाँ पर टीएम है इंक्रेनेट, ओहो ये तो फायर टाइप मूव है, तो मैं मुझे लगता है इसे मैगवी को सिखाना चाहिए। उसकी पावर देख लेते हैं पहले, दो पोकेमोन सीख सकते हैं इंक्रेनेट। इसकी पावर 60, काफ़ी अच्छी पावर है, एक्यूरेसी अच्छी है और पीपी भी इसकी अच्छी है, तो हम इसे सिखाएंगे। मैगवी को ही सिखा देते हैं अभी से। इसकी पावर है फ्लेम व्हील की पावर 60 और एम्बर की पावर 60। एम्बर हटाएं क्या? वैसे मुझे लगता है अभी हमें सिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में हो सकता है खुद सीख जाए, तो अभी के लिए रहने देंगे, क्योंकि इसकी पावर का हमारे पास पहले से एक मूव है फ्लेम व्हील, तो अभी के लिए रहने देंगे, स्टॉप कर देते हैं इसे। और हमारे पास कुछ टीएम है, देखते हैं क्या है ये, तो बाकी टीएम तो इतने बढ़िया नहीं है, तो उससे पहले मैं पोकेमोन को रिवाइव कर लेता हूँ। तो मैं दोस्तों मैंने पोकेमोन रिवाइव कर लिया और हम ऊपर आ चुके हैं वापस से, अभी हम इस रास्ते चलेंगे। और यहाँ पर एक और ट्रेनर बैठा था, वैसे मैं इसे स्किप करने, तो वैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर रिपेयर ख़त्म हो रहा है वापस से, और हमारे पास रिपेयर भी थोड़े बचे हैं अब, तो वैसे वोल्केनो को एंड आने वाला है, शायद हम टॉप पर आ गए हैं। और नीचे मुझे, हाँ भाई हम टॉप पर ही आ गए, नीचे पूरा वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, वैसे दिख तो रहा कुछ नहीं रहा पर ब्लू ब्लू दिख रहा है। और यहाँ पर तो ये हमारा दोस्त जैक्स, वही कह रहा है स्टॉप राइट देयर शैडो, रिलीज द मोल्ट्रेस यू कैप्चर, तो इन्होंने मोल्ट्रेस को कैप्चर कर लिया, ध्यान रखता है हम लेट हो गए, आई एम सॉरी बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉन्ट बी एबल टू डू दैट, इट इज़ टू विचुअल टू आवर प्लान्स, एंड बिसाइड्स आई वुड नॉट बी लिटिल माई सेल्फ टू माई लिसन टू सम वन ऑफ द लाइक्स ऑफ यू, आई एम नॉट लेटिंग यू प्रिपेयर फॉर अ बैटल, तो इनसे बैटल करने वाला है। ऑल राइट देन आई विल इंडोल्ज यू योर लिटिल रिक्वेस्ट, बट यू नो व्हेन यू लूज आई विल हैव माय पोकेमोन ऑब्लिटरेट यू, गो इन कैन इवो डिवेट। ये इसका दोस्त है अच्छा ये मारदेन है, हाँ इवोरी, इस जो ये सामने खड़ा है ये इवोरी है। यू डोंट हैव टाइम टू फाइट दिस ट्रेनर राइट नाउ, वी हैव अ टाइट शेड्यूल टू कीप, गेट गोइंग, आई विल होल्ड हिम एट बे व्हाइल यू एस्केप, लेट्स गो शैडो वॉरियर्स। तो इसने इसे पकड़ लिया और ये खुद चला गया, डर्ट दे एस्केप्ड विद मोल्ट्रेस, तो मोल्ट्रेस को ले गए गीगा, डिड यू सी दैट, आई एम अ लिटिल एम्ब्रेस्ड, से नाउ दैट्स दैट यू आर हेयर वाई डोंट यू एंड आई टीम अप, आई हैविंग अ लिटिल मोर डिफिकल्टी दैन एंटीसिपेटेड। तो यस कर लेते हैं हम, तो हमने टीम अप कर लिया, ऑल राइट आई बेट वी विल मेक अ गुड टीम, यू लीड एंड आई विल फॉलो, आई विल मेक श्योर टू कीप अस बोथ हील्ड अप टू, वाइल्ड टीम्ड अप विद जैक द फर्स्ट थ्री वीएबल पोकेमोन इन योर टीम पार्टी विल बी सेलेक्टेड फॉर बैटल। तो ठीक है हम कुछ पोकेमोन को आगे कर लेते हैं पहले, तो जो हमें जरूरत है जिनकी, वैसे हमें, हाँ हमें गबाइट की वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी टीम का हमारा स्टार्टर और स्ट्रॉन्ग भी है। चलते हैं फिर नीचे, अरे ओ हाँ हमें नीचे जाना है, ये इधर से चलते हैं, हाँ ओके हमें जल्द से जल्द चलना चाहिए, वैसे हम मोटर को लेके जा रहे हैं। यहाँ पर पोकेबॉल है, क्या है यहाँ पर, कैल्शियम मिला है हमें, कैल्शियम ठीक है, नीचे साइड ये यहाँ चलते हैं, रिपेयर ख़त्म हो रहा है भाई, और ये अंकल हमसे बैटल करने वाले हैं। आई हैव कम टू दिस वोल्केनो टू पेंट अ पीस फील्ड विद माई बर्निंग पैशन,
भाई ये पेंटिंग करने आए हैं यहाँ पर, उनके पास पेंट का पोकेमॉन भी है, स्क्वेयर गन, दोनों स्क्वेयर गन है। ठीक है हम बैटल करते हैं इनसे जल्द से जल्द। हमें करना चाहिए शायद सारी मूव सकती हूँ, ऐसे म्यूचुअल थ्रो करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये कर रहा है फ्लेम बस्ट, भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो फ्लेम बस्ट फिर से म्यूचुअल थ्रो करने वाले हैं और ये फेंट हो जाएगा उसकी बार। हाँ ये हो गई फेंट और उसकी पोकेमॉन दोनों हार चुके हैं, वैसे कमजोरी थी उन्होंने, इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी। हम शायद आ गए यहाँ पर वापस, वही पीछे दो मिनट के बाद दो हो गए। यहाँ से कुछ तो नहीं है और तो नहीं चलते हैं। नीचे ओहो हमारी पहले ख़त्म होने वाला है भाई, यहाँ से ले लेते हैं 10 बॉल। यहाँ पर कुछ ट्रेनर भी मिलेंगे तो हम स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों इसके पास एक टोर को लेवल हमारे यहाँ पर, जब इसे फेंट कर देंगे तो हमारा सोमो का लेवल बढ़ जाएगा और इससे भी वो होगा। ओके लेवल बस हो गया और ये बढ़ गया लेवल, और हम अब हम देखेंगे इवोल्यूशन। स्मेलिंग सॉल्ट, ये कौन सा मूव, इसकी पावर देख लेते हैं पहले, 70 पावर का मूव है, इसे हम जरूर सीखेंगे। आर्मथर्स को भी हटा देते हैं, इसमें स्मेल्टिंग सॉल्ट सीख लिया और ये अभी इवॉल्व होगा। ओके ये हो रहा है इवॉल्व, सोमा बन चुका है अब हरियामा। तो हमारी टीम में एक और नया पोकेमॉन आ चुका है जो कि हरियामा, वैसे इवॉल्व हुआ है। लगता है कोई नया मूव सीखे या नहीं, देखते हैं। वैसे इसने सीख लिया स्मेल्टिंग स्मेलिंग सॉल्ट, तो भी हम जल्द से जल्द आगे बढ़ते हैं। बटन क्या है, ये बटन है यहाँ से, तो कुछ रखना होगा जैसे कि स्टोन्स टाइप। रिपेल भाई ख़त्म होने वाले हैं बिल्कुल, और एक और ट्रेनर है यार यहाँ पर, पहले यहाँ चलते हैं तो कुछ नहीं है। ओके यहाँ चलते हैं, यहाँ पर एक ट्रेनर है, बैटल कर देते हैं इसे, डबल बैटल होने वाला है। तो अब हमारे पास हरियामा है तो उसकी पावर भी देख लेते हैं कितनी है, इसमें बहुत पावर है वैसे, उसके हाथ देखते हैं इतने बड़े बड़े हाथ। ठीक है वैसे हमारे जो दोस्त हैं जैक्स, उसके पोकेमॉन भी स्ट्रॉन्ग है, स्टारे भी है इसके पास, पर इनका लेवल कम है मेरे पोकेमॉन से। तो बस हो ही गया और ये फेंट हो जाएगा, हो गया। वैसे हमें जल्दी चलना चाहिए कहीं वो भागना चाहिए टीम शैडोज। वैसे पोकेमॉन में आगे पीछे कर लेता हूँ थोड़े बहुत, स्विच करते हैं हम गबाइट को आगे करेंगे। ठीक है तो इधर इनके पीछे से चलते हैं, यहाँ पर कोई है क्या, एक और ट्रेनर बैठा तो इसे स्किप करने वाला हूँ मैं। तो हमने इसे हरा दिया है और हम मुझे लगता है वहाँ चांस ही है और मैंने रिपेल नहीं किए। ठीक है रिपेल कर लेते हैं हम, वरना बहुत सारे पोकेमॉन आ जाएंगे फालतू में, हमारा टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर एक चांस ही है जो हमारे पोकेमॉन हील करेगी, चलो करा देते हैं हील। ओके हो गए, लुक्स लाइक वी आर रीच द एग्जिट गीगा, आई विल गो ऑन अहेड, डोंट स्टे टू फार बिहाइंड। तो हम भी जल्दी आ रहे हैं और यहाँ पर बैटल चल रहा है भाई, डस्कल यूज शैडो स्नीक, डस्कल शैडो स्नीक इस्तेमाल कर रहा है। और डिड यू एक्चुअली जस्ट यूज शैडो स्नीक, डू यू नो नथिंग अबाउट टाइप मैचेस। ओ हाँ डस्टक डस्टोक्स जो है, डस्टोक्स से क्या है इसका नाम, कि शैडो स्नीक कर रहा है और जो हमारा स्टारे भी आया उसके पास अभी एडवांटेज है, वो नॉर्मल टाइप और नॉर्मल टाइप के ऊपर घोस्ट टाइप इफेक्टिव नहीं होते अटैक्स। यूज एरियल एस, ठीक है यूज शैडोई रीजन ऑफ टेरर एंड्स हेयर एंड नाउ, वी वॉन्ट लेट यू एस्केप फ्रॉम सिंडर वोल्केनो विद मोल्ट्रेस इन हैंड। शैडोज रीजन ऑफ टेरर, सीरियसली स्टॉप ट्रीटिंग दिस लाइक इट्स सम सॉर्ट ऑफ गेम, वी आर वेल विद इन आवर राइट्स टू कैप्चर मोल्ट्रेस, यू मे हैव सम सेल्फ राइट न्यूस नोशन दैट वॉट वी आर डूइंग इज ईविल, बट यू आर रोंग, यू सिंपली डोंट अंडरस्टैंड वॉट्स एट स्टेक हेयर, इट्स नॉट वर्थ इट मार्लन।
समवन लाइक हिम कुड नेवर समवन लाइक हिम कुड नेवर अंडरस्टैंड व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर ही या मोल्ट्रेस इज सील्ड अवे आई एम हेडिंग बैक टू एच यू यू माइट वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ दैट किड वॉचिंग बिफोर यू जॉइन मी आई मे नॉट हैव हैड अ रियल पोकेमॉन बैटल इन अ लॉन्ग टाइम बट आई एम स्टिल स्किल्ड एनफ टू फाइट यू वेट गीगा आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट अगेंस्ट हिम आई डोंट केयर इफ ही ट्राइज टू जस्टिफाई देयर एक्शंस और नॉट द शैडोज नीड टू बी स्टॉप्ड यस थ्री पोकेमॉन चूज़ करने हैं हमें ठीक है हम स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को चूज़ कर लेते हैं तो मुझे लगता है सोमो का ज़्यादा हो चुका है ठीक ठाक तो हम वैसे यार कोई भरोसा नहीं है उसके पास कितने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन तो हम पहला पोकेमॉन तो हम रखेंगे ड्रैगो को एंटर और मैगबी और सोमो को ओके कर देते हैं आई असिस्ट यू इन योर बैटल मार्लिन सर तो ठीक है भाई इनसे बैटल है हमारा ये तो भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लेके आए हैं डस्कल और शिफ्टी वैसे इनकी लेवल कम है चलो कोई नहीं शिफ्टी को तो हम फायर फैंग अटैक से हरा ही देंगे हमारे पोकेमॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है के सामने पर उनके भी पहले पोकेमॉन है फिर एक ही है ये मैंने देखा नहीं ठीक है हम फायर फैंग अटैक करेंगे शिफ्टी के ऊपर ठीक है फेंट होने वाला है बस थोड़ा सा रहता है सेफ्टी अबकी बार तो फेंट हो जाएगा जल्द से जल्द करते हैं हम अटैक और सेफ्टी हो गया अबकी बार फेंट और ग्रोथ अटैक कर रहा है इससे कुछ नहीं होने वाला बस थोड़ा बहुत अटैक होता है सही और ये हो गया फेंट हाँ सेफ्टी फेंट हो गया बस ये रहता है और हमारा ड्रैगो का जो लेवल है वो अप हो गया है और हो गया 25 लेवल पर और ये शायद अबकी बार फेंट ये तो फेंट नहीं होगा लगता है जैस की वजह समय करनी पड़ेगी आईसी विन यार इधर काफ़ी इफेक्टिव मूव है ड्रैगो के ऊपर और हाँ इफेक्ट भी और डैमेज काफ़ी अच्छा दिया है हमारी जो स्पीड है वो कम हो चुकी है ठीक है कोई नहीं अभी हम ड्रैगन क्लो से ख़त्म करेंगे और ड्रैगन चौक की पावर हम देख सकते हैं कितनी पावरफुल है दो हिट रहता है 40-40 पावर के ठीक है तो वैसे कोई सामने तो है नहीं दो पॉइंट उनके रहते हैं जैसे मैं सोच ही रहा था उनके लेवल ठीक है भाई इसका लेवल तो काफ़ी अच्छा है हम वापस से डुअल चॉप करेंगे और यहाँ पर दोनों पर अटैक कर रहा है और हम स्टार हुए तो भाई फेंट हो गया तो जैक्स का एक पोकेमॉन फेंट हो चुका है और दूसरा जो हमारा पोकेमॉन है मतलब पहला पोकेमॉन हमारा ड्रैगो तो मैग्नामाइट बुलाया भाई काफ़ी अच्छी चॉइस है इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन और हम फायर फैंक करने वाले हैं लगता है भाई हमारा ड्रैगो की फेंट हो जाएगा और ये फेंट हो गया क्रिटिकल हिट मानी भाई क्रिटिकल जैसे एच पी तो इतनी कम थी इसलिए ऐसा हुआ होगा ठीक है हम इस्तेमाल करने वाले हैं मैगबी का ये मैगबी हाँ मैगबी इस्तेमाल करते हैं ठीक है हम करेंगे फेंट अटैक इफेक्टिव है ठीक है फेंट अटैक करेंगे हम और भी एक्सोरेंस कर रहा है डार्क टाइप मूव है ये भी एक फेंट अटैक भी डार्क टाइप मूव है ठीक है डार्क टाइप मूव करते हैं हम और ये फेंट हो गया वैसे इसके दो पोकेमॉन हमने हरा दी तो ठीक है हमारे मैगबी का भी लेवल हो चुका है जो कि 25 लेवल पे है बस स्कॉर्पियो ही बचता है उसका लेवल मैं अगर आज नहीं हो पाया तो कल करके रखूँगा लेवल सबका सेम करके रखूँगा सब मतलब और फायर फैंग से और फायर फ्लेम व्हील्स हम कैटनिया को भी फेंट कर देंगे तो ये फेंट हो गया एक ही हिट के हो गया तो वन हिट के हो तो ये दोनों हार चुके हैं मे बी आई एम मोर आउट ऑफ प्रैक्टिस देन आई रियलाइज आई एम सॉरी मार्लिन सर ओके तो ये हार चुके हैं वाह I'll retreat for now, but I won't forget this. You'll be seeing us again soon. I guaranteed it. तो ये जा चुके हैं भाई मोल्ट्रेस तो उन्होंने दिया ही नहीं लेट्स हेड बैक टू माई ग्रैंड फादर्स हाउस एंड टेल हिम वॉट हैपन्ड दिस इज नॉट गुड एट दिस पॉइंट ओनली वन लेजेंडरी बर्ड रिमेन्स रैप्टोस इट्स इम्परेटिव दैट इट बी rescued before the shadows can capture it. Understand, Grandpa. I'll go to it right away. Actually, Jax, I have a different task for you. To the best of my knowledge, the shadows are still missing the
ऑब्जेक्ट यूज टू सील अवे द डार्क फोर्स अ फ्रेंड ऑफ माई डैट लिव्स ऑन रूट 9 सो शुड नो इट्स लोकेशन गो टू हिम एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन आई एम श्योर ही विल बी willing to help us find it before the shadows do. Okay, Grandpa. Good. As for you, Giga, I want you to head to Thundercap Mountain and save Zapdos. तो हमें Zapdos को बचाना है Thundercap Mountain पे जाकर. तो हमारा नया मिशन यही होगा. You proven yourself by defeating Jax back in Cinder Volcano and I think you are up for the task. You can get to Thundercap Mount by taking the highway southeast from the next town over Crater Town. If you don't worry, the British region will be doomed. The mission. Oh, हमारे पास मिशन आ चुका है भाई. I'll be heading back to Frozen Heights Giga. तो प्रोफेसर लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस से Frozen Heights पर. I'll let you mother know what the situation is. तो ये मेरे मम्मी बताने वाले हैं कि मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर हमारे रीजन में. माई स्टडी वे स्टिल प्रीटी वीक फ्रॉम दैट फाइट बिफोर बट आई शुड बी एबल टू गिव यू अ राइड बैक अप टू सिंडर वोल्केनो. वुड यू लाइक अ राइड बैक टू सिंडर वोल्केनो? तो भाई चलते हैं. मुझे लगता है हमें शॉर्टकट लेना चाहिए. लेट्स हेड आउट राइट अवे. तो हम यहाँ पर आ चुके हैं बाहर और यहाँ पीसी रखा है सर एक. मुझे लगता है आज वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और हम बाकी पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे. तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट दिखाइए भाई. सपोर्ट का भी हमारा है. तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको कल पोकेमॉन अनबाउंड की नई वीडियो में. गुड बाय.